हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम एंड फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो। दिस इज पार्ट थ्री। इससे पहले पार्ट टू ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उनको देख लेना एक बार। गाइस मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन में और पार्ट टू में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाए थे। बोथ दीज क्लासेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो इनके जो लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार गो थ्रू कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी चल रही है, आप इनके एपिसोड भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो स्टूडेंट्स इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 ईयर्स एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिए गाइस क्लास कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो गाइस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है वो आ चुकी है और ये 2022-23 वाला सेशन है, इसी वजह से इसको 2023 बोला जा रहा है और ये 2022-23 सेशन है इस तरीके से ये, ठीक है। सो गाइस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और इसके बाद इंडिया में टॉप 10 कौन सी हैं, हम दोनों की बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती क्या है। इसकी जो क्यूएस है इसकी फुल फॉर्म है आपकी क्वैक्वेरली साइमंड्स अनाउंस द 2023 एडिशन ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज विच शो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बैंगलोर जो है इसने टॉप किया है इंडिया में। दिस इज द नंबर वन पोजिशन इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो। एंड देन यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉलोड बाई IIT इन मुंबई एंड दिल्ली इन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये इन्होंने इसमें रैंकिंग करी है। यूनिवर्सिटी वो होती है जो कि एक एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी होती है जो कि जिसके अंदर बाकी सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये इंस्टीट्यूट अकेले में खुद के अकेले इंस्टीट्यूट, जैसे IIT दिल्ली है तो अकेला खुद का इंस्टीट्यूट है वो, उसमें ऐसा नहीं कि IIT के दिल्ली के अंदर भी 10 कॉलेज आते हैं, तो ऐसा नहीं है। IIT दिल्ली अपने आप में एक अकेला अकेला IIT होता है दिल्ली में। तो यहाँ पर जो इस तरह के IITs है या फिर IISCs हैं इनको हम नेशनल इंपॉर्टेंट वाले इंस्टीट्यूट कहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और इंडिया में इसने टॉप किया है ISC बैंगलोर ने। इसके बाद गाइस अगर आपको अगर ये समझना है कि ये QS वर्ल्ड रैंकिंग होती क्या है, आई मीन QS है क्या। सो QS इज ए UK कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द एनालिसिस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1990 बाय द नुंजियो क्वैक्वेरली। तो इन्होंने इस कंपनी को बनाया था, इसी वजह से इनको इस QS के नाम से जानते हैं। और तब से ही जो है ये जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हायर यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी रैंकिंग करते हुए आ रही हैं। गाइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अक्रॉस द वर्ल्ड बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें जो MIT है USA की, ये नंबर वन पोजीशन पे है इस टाइम पर। इसकी ओवरऑल स्कोर जो है वो 100 है। अब ये स्कोर जो इन्होंने दिया है वो अलग अलग पैरामीटर पे दिया है कि वहाँ पर रिसर्च का काम किस तरीके से होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी उनके मार्क्स कैसे आते हैं, इसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो कैसी है, जो उनकी फैकल्टीज हैं जो टीचर्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं और उन्होंने क्या उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आई मीन उन्होंने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हैं, ऐसे कोई सिंगल पैरामीटर नहीं है। अलग अलग पैरामीटर के बेस पर जो रिजल्ट निकला है उसके बेस पर जो ओवरऑल रैंकिंग निकली है और ओवरऑल जो स्कोर निकला है वो 100 out of 100 निकला है किसका, MIT का। और MIT कहाँ पे, US में। देन सेकेंड नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूनाइटेड किंगडम में है 98.8 स्कोर के साथ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है थर्ड नंबर पे। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है UK में। देन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। देन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में है। देन इंपीरियल कॉलेज लंदन, देन UCL है, देन ETH ज्यूरिच है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉप हम कह सकते हैं कि जो टॉप 10 में है वो कंट्रीज कौन कौन सी। तो नंबर वन जो कंट्री है वो US की है क्योंकि इसमें US के बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4 और ये पांच, पांच टॉप 10 में पांच जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो US की हैं। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है जिसकी चार यूनिवर्सिटीज़ हैं, UK, UK, UK एंड UK। तो इसके बाद जो चार यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UK की हैं। देन इसके बाद एक स्विट्ज़रलैंड की भी इसमें आ गई है। तो इस तरीके से जो है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़। अब गाइस देखो एग्जाम में आपका टॉप नंबर वन पोजीशन ही पूछते हैं, ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि भाई सातवें नंबर पे कौन है, आठवें नंबर पे कौन है, इस तरीके से तो पूछेंगे नहीं।
तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टाई कर दिया है ना, इनका स्कोर टाई हो गया, इस वजह से यहाँ पर 6-6 लिखा हुआ है। अदरवाइज इसको 6 और 7, मतलब या इसको 7 या 6 कह सकते हो, लेकिन जिनका स्कोर है वो टाई अप हो चुका है। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT USA, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी QS World रैंकिंग आई है इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन जो है पूरी दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देन अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसी जो QS World रैंकिंग आई है इंडिया की, अगर हम बात करें इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो जो नंबर 1 पोजीशन पे है और इसकी जो रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 155वीं रैंक है और इंडिया में नंबर 1 रैंक पे है ये, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाला। इसका स्कोर आया 49.5 आउट ऑफ 100। तो 49.5 स्कोर के साथ इंडिया ने यहाँ पर टॉप किया है अपने सभी यूनिवर्सिटीज के मतलब जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में। देन 172 स्कोर है ऑल ओवर वर्ल्ड का ही। अगर बात करें इंडिया की, तो सेकंड पोजीशन है IIT बॉम्बे की, जो कि मुंबई में है। देन थर्ड पोजीशन है आपकी IIT दिल्ली। देन फोर्थ है IIT मद्रास। फिफ्थ है IIT कानपुर। सिक्स्थ है IIT खड़गपुर। सेवन्थ है आपका IIT रुड़की। एट्थ नंबर पे आपका IIT गुवाहाटी। नाइन्थ नंबर पे IIT इंदौर। देन 10th पोजीशन पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में। तो ये हमारी इंडिया की हम बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट हैं जो कि QS World रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है इनको इतना स्कोर दिया गया है और इनके अकॉर्डिंग इनका यहाँ पर रैंकिंग की गई है। गाइज इसके अलावा मैं बता दूँ, आप यहाँ पर जैसे कि देख ही सकते हैं कि इंडिया में IITs ने ही हमारी शान बना के रखी है दुनिया में। बस IITs ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारी शान, IIT और IISc, इन्होंने ही हमारी पहचान बना के रखी हुई दुनिया में। अदरवाइज जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन ये इतना मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को छोड़ करके आप देख सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, ओनली IIT और IISc का नाम है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ी एक बार कर लें और याद कर लेगा। इस इंडिया में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि QS World रैंकिंग के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया में टॉप 1 पोजिशन पर कौन है, फर्स्ट पोजिशन पर। तो आप इसका नाम याद कर लो, IISc करके है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसके अलावा गाइज इसकी ओवरऑल जो ओवरऑल रैंक है वो 155th है। तो इस चीज़ को याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि टॉप 1 ही पूछते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन है इंडिया में QS World रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका स्कोर याद कर लेना कि इतना इन्होंने इतना स्कोर किया है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके अलावा एक सेकेंड करंट अफेयर्स इसमें आता है आपका लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 करके, और ये क्या है, और क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैंने आपको बताया था कि मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ जो रिसर्च से रिलेटेड और ICT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो अपकमिंग डेज में आपको और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे इन सभी टॉपिक्स पे, जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होंगी। सो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप ये क्लासेस मिस ना करें। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, UGC NET Mentor के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर तो मैं आ जाऊँगा, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इस पे भी क्लासेस के मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ, तो एटलीस्ट आपसे क्लासेस मिस नहीं होंगी। गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 की, सो ये क्या है, इट इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू इनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इस तरीके से, पूछते हैं कि लाडली लक्ष्मी स्कीम क्या है और किसने स्टार्ट करी है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका अब देखो, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, इसका उद्देश्य क्या है, लाडली लक्ष्मी स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सिंस 2007, 2007 से चल रही है, अभी 2.0 उसका लॉन्च हुआ है सेकंड वर्जन। इनहांस द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द गर्ल्स। लाडली लक्ष्मी स्कीम इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दैट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अ गर्ल बर्थ अंटिल हर मैरिज इन इंस्टॉलमेंट्स। तो जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाएगी, उसकी बर्थ से लेकर के जब तक कि एक बच्चे की शादी नहीं हो जाती, तब तक कि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती रहती है। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है इससे एक ई संवाद ऐप रिलेटेड है, एंड्रॉइड ऐप है ये, तो ये क्या ऐप है इसको भी समझ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं ऐप के बारे में। सो इट इज एन ऐप लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर टू एस्टेब्लिश अ कंटिन्यूअस डायलॉग विद द लाडलीज। इन दिस ऐप ऑल लाडली लक्ष्मीज विल बी लिंक टू द एजुकेशन पोर्टल थ्रू समग्र ID, देन इनेबलिंग कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ देयर एजुकेशनल स्टेटस। तो भाई अगर इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट ये भी तो सोचती है ना कि ऐसा ना हो कि भाई पैसे तो हमसे लेते रहे, बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना देखने जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने ऐप को लॉन्च किया है और बच्चे का स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस चेक करते रहते हैं कि कौन सी क्लास में आ चुकी है आप जो गर्ल चाइल्ड है और उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो इससे फ्रॉड होने के चांस भी काफ़ी कम है, इस वजह से डिजिटल इंडिया से के होने से काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है, इससे चीज़ों को ट्रैक करना और सही चीज़ें करना काफ़ी ईजी हो गया है।
व्हाट आर द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू द गर्ल चाइल्ड, इस स्कीम के अंदर कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट परचेज अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ ₹6,000 फॉर 5 ईयर्स फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड अप्लाइड फॉर अंडर दिस स्कीम। जो भी स्कीम के लिए, इस स्कीम के लिए अप्लाई करती है गर्ल चाइल्ड, तो क्योंकि यहाँ पर ये बीपीएल वालों के लिए, मैं पहले बता दूँ जो स्कीम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आई मीन जो गर्ल चाइल्ड है, सभी के लिए नहीं है, जो जनरल कैटेगरी है या जो ओबीसी एससी ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है ये। मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये जनरल और ओबीसी का फंडा इन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने रखा है ये जो आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सिचुएशन होती है। बीपीएल अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और वो बीपीएल में है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसके उसके घर में इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल खराब हो रखी है लेकिन है जनरल कैटेगरी में, तो उसको भी ये स्कीम मिलेगी। और अगर ओबीसी कैटेगरी का है और बहुत अमीर है, वो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो रिजर्व कैटेगरी होगा या फिर जनरल कैटेगरी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके बेस पे यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है इस स्कीम को दिया गया है। और देखो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा भी ओपिनियन ये रहता है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, किसी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, कास्ट या फिर रिलीजन के बेस पर जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत अमीर बहुत रिच पीपल हैं लेकिन है वो एस सी एस टी या ओ बी सी हैं, है ना, और उनको रिजर्वेशन मिल जाता है तो बहुत अजीब लगता है देख करके कि ये तो ऑलरेडी रिच है, उनको रिजर्वेशन दे के रखा हुआ है और मतलब तो ऑलरेडी उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी। और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से है और उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसकी जॉब भी नहीं लग रही, पापा मम्मी की भी मतलब वैसी कुछ इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो ये फिर मुझे बहुत दुख होता है चीज़ों को देख करके। तो इसको देखो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी फ्यूचर में। और देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये इनको नहीं देना चाहिए, इनको देना चाहिए क्योंकि इनकी जो आई मीन जो इनके जो पीपल हैं वो काफ़ी बैकवर्ड रह चुके हैं या फिर रह रहे हैं, लेकिन इंडिया में अपकमिंग डेज में मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और आई थिंक इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जो आपका AWS कोटा है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो वो इसी की शुरुआत है। जब ये वाली अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर्स में जब ये खत्म हो जाएगा तब बस एक ही कोटा चलेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जिसको इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है ये, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है इसको, इन चीज़ों को लेकर के। देन गाइज इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया देगी गवर्नमेंट ₹2,000 की जब वो सिक्स क्लास में आ जाएगी, देन नाइन्थ स्टैंडर्ड में देगी देगी पैसे कुछ, फिर इलेवंथ में देगी, देन ट्वेल्थ क्लास में देगी, देन जब 21 साल की लड़की हो जाएगी उसको आगे पढ़ने का मन करेगा तो उसको ₹1,00,000 और दिए जाएंगे। अनमैरिड है, आगे पढ़ने का मन कर रहा है, उसको हायर स्टडीज करनी है, तो ₹1,00,000 गवर्नमेंट और देगी। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जहाँ पर एक स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट किया जाता है, अगर वो बीपीएल आई मीन इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए स्कीम बहुत अच्छी है। आई होप आपको स्कीम समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज़ तो ये याद कर लो कि स्कीम है क्या। ये स्कीम है एक गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है, जिसको पढ़ाने की बात की जा रही है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। देन किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद गाइज ये याद कर लो इसमें कि भाई ये जो ई संवाद ऐप है ये ई किस चीज़ से रिलेटेड ऐप है, तो ये लाडली स्कीम से रिलेटेड ऐप है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और देन उसके बाद आप ये चीज़ याद कर लो कि कितने पैसे उसमें देने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में बनने के काफ़ी हाई चांस रहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताया करो, आप लोग कमेंट करके ना अपना फीडबैक नहीं देते हो, क्लास लिया हो गायब हो जाते हो, जैसे बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाते हो, क्लास देखते ही मिस्टर इंडिया बन जाते हो बिल्कुल गायब। तो गायब होने से पहले कमेंट कर दो यार, अपने फीडबैक दे दिया करो कि क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट सेक्शन से ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, तो कमेंट जरूर किया करो। आपका हार्डली 2-4 सेकेंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते, है ना, अपना फीडबैक दिया करो। और गाइज अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स ले सकते हैं, यूजीसी नेट जारिफ के लिए, यूजीसी नेट मेंटर, आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसकी फीचर्स मैं बता दूं, क्रैश कोर्स के पेपर वन अभी फिलहाल अवेलेबल है, हम स्पेशल 30 डेज क्रैश कोर्स चला रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पीड में आपको कंप्लीट 30 डेज में कोर्स आपका जो है वो कवर हो जाएगा। पेपर टू कॉमर्स हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है, मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, जो हमारा कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।